Last to meet the dealers is Navid. Yeah, I will. Yes, whoa, well done. Got there in the end. Thank you very much. ये जी मेरी जाती कलेक्शन है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। और भी कलेक्ट कर रहे हैं अभी, अगर कोई पीस मिले किसी के पास हो तो प्लीज़ लेट मी नो। कलेक्शन जारी है अभी। कलेक्शन कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है तो ये पिस्टल सबसे पुरानी अर्लीस्ट टेक्नोलॉजी थी, जब कैनन आई थी। कैनन के बाद आई थी ये वाली टेक्नोलॉजी जिसको हम कहते थे मैचलॉक। ये मैचलॉक पिस्टल है, मैचलॉक टेक्नोलॉजी इसको बोल रहे हैं, जो मैकेनिज़्म है फायरिंग का। इसमें फायरिंग पिन वगैरह जैसे आप लोग आजकल पता है, ये वो चीज़ें नहीं हैं। ये कैनन का रिप्लेसमेंट था। इसमें इधर एक धागा सेबा कह लो, कुछ भी कह लो, वो इधर डलता था अंदर। इसके मस्केट बॉल जैसे ये वाली है, ये मस्केट बॉल ऐसे ऊपर से डाल के इसको लोड करते थे। लोड करने के बाद बारूद डाल के तो प्राइमर उसका डालते थे इधर और चलाते थे। जब चलाना है तो इधर इसको आग लगी होती थी, उसको कोशिश करता था, जो गन चलाने वाला होता था वो कोशिश करता था कि इसको गर्म रखे, आग जलती रहे। तो जब चलाना होता था तो सेफ्टी हटाते थे ऐसे और फिर यहाँ से इस तरह करके चलाते थे। तो बिल्कुल कैनन सिस्टम के ऊपर चलती थी। ये तकरीबन 350-400 साल पुरानी टेक्नोलॉजी थी। इसके ऊपर अभी डेट भी लिखी हुई है, ये बेजापुर रियासत की है। ये गोल्ड से लिखी हुई है 1018 हिजरी, तकरीबन 400 साल पुरानी बनती है ये। यहाँ पे भी कुछ एनग्रेविंग है इसके, उनकी बेजापुर रियासत के सिंबल हैं जो मिट चुके हैं बहुत अरसे से। अच्छा जी, ये टेक्नोलॉजी, ये जो है, ये सारा का सारा जो बॉक्स बने हुए हैं ये आइवरी के बने हुए हैं। ये ब्लैक वाली बोन लगी है और ये हाथी दान को बड़ी डेकोरेशन से। और ये देखें आप ज़रा कितना डीप है, ये यहाँ से एक मिस हुआ है, निकला है, बहुत डीप ये लगा हुआ। और ये भी हाथी दान की डेकोरेशन है। बहुत ही नाइस अर्ली पिस्टल है, बहुत अच्छी कंडीशन में। इवन फायरिंग सिस्टम इसका, ट्रिगर अभी तक अच्छी या बुरी कंडीशन में जैसा भी है चल रहा है। पेच देखेंगे, पेच तो होते नहीं थे उस वक्त, तो इसको हैमर से बनाते थे, इनको हैमर नेल्स कहते हैं इनको। तो ये अभी तक लगे हुए हैं इसके। बहुत ही नाइस एग्जाम्पल है अर्ली, 300-400 साल पुरानी। और डेकोरेशन देखें इसके ऊपर, हाथी दान की इतनी डीप और नाइस डेकोरेशन हुई है। खैर नाइस पिस्टल है मैचलॉक। मैचलॉक के बाद अगली टेक्नोलॉजी आई थी, क्योंकि ये बारिश में चलती नहीं थी, प्रॉब्लम होती थी बारिश में इसको गर्म रखना या उसको आग जलती रहना। इसके बाद अगली टेक्नोलॉजी आई थी ये वाली। इस टेक्नोलॉजी को कहते थे हम फ्लिंटलॉक। इसमें एक पत्थर डलता था इधर, इस जगह पर फ्लिंट जिसे कहते थे। गोली गेंद इसी तरह यहाँ से ऐसे लोड होती थी और उसके बाद इसको यहाँ पर डाल के प्राइमर डालते थे इस जगह पे। और जब चलाना होता था तो इसको ऐसे करके ये फ्लिंट इसके साथ स्ट्राइक करता था और स्ट्राइक करके ये प्राइमर को आग देता था, प्राइमर से फिर फायरिंग होती थी। ये नाइस एग्जांपल है, मगर ये कॉपी है। बहुत सी इसकी चीज़ें हैं, ये देखें पेश नया डला हुआ है। ये डेकोरेशन ये ठीक नहीं है, नॉर्मली ब्रास की होती थी। इनले तो उन्होंने किया हुआ मदर ऑफ पर्ल का, मगर ये कॉपी है, वर्स्ट किस्म की कॉपी है ये। मगर सिर्फ इसलिए रखा है कि चलो आपको समझ आ जाए कि ये टेक्नोलॉजी कैसे चलती थी। अच्छा, इसके बाद अगली टेक्नोलॉजी आई थी हमारे पास परकशन कैप। इसमें भी फ्लिंट होता था तो फ्लिंट आग नहीं पकड़ता था। तो इसके बाद अगली टेक्नोलॉजी आई थी ये वाली, इसको कहते थे हम परकशन कैप। इसमें एक परकशन कैप इधर डलता था जिसके ऊपर बारूद लगा होता था। वो इधर प्राइमर को स्ट्राइक करता था इस तरह करके, ट्रिगर को, ये चीज़ वो ट्रिगर को स्ट्राइक करता था तो ये आगे से प्राइमर उसको आग देता था, मेन को, और मेन जो फिर यहाँ से फायरिंग करता था। ये एक नाइस एग्जांपल है, ओरिजिनल है। इसको ब्रिटिश में या इंग्लिश लैंग्वेज में इसको कहते थे मफ पिस्टल। कुछ की शॉर्ट बैरल होती है यहाँ तक और ये लॉन्ग बैरल है। बहुत नाइस एग्जांपल है ये, बहुत रियल कंडीशन ओरिजिनल में। ये रफली तकरीबन, जैसे ये टेक्नोलॉजी जो है 300-400 साल पहले थी, ये टेक्नोलॉजी तकरीबन लेट 18 सेंचुरी 19 सेंचुरी में ये टेक्नोलॉजी आई। उसके बाद ये टेक्नोलॉजी जो है ये तकरीबन ऑलमोस्ट चली 1900 तक, 1912, 1915, 20, 30 तकरीबन यहाँ तक ये चली। उसके बाद फिर हमारे पास आ गए अच्छी कंडीशन में गोलियाँ बुलेट्स बनने शुरू हो गई थी, जिनको हमें ये प्राइमर की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। बहरहाल ये जो अर्ली एग्जांपल थी ये कुछ 18वीं सेंचुरी में भी यूज़ हुई थी फ्लिंटलॉक की, जैसे 1857 की जंग आज़ादी में जो सबसे पहले, उसके बाद उन्होंने वो यूज़ किया था। लड़ाई भी 1857 की स्टार्ट भी इसलिए हुई थी कि उन्होंने कारतूस दिया था जिसको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। कारतूस जो एज अ बुलेट फायर करता था, ऊपर से डालते थे वो, तो वो उस वक्त जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही थी वो यही थी, परकशन कैप। इसी में ऊपर से वो सूअर की खाल का जो है वो एक उन्होंने बुलेट दिया था प्राइमर, जो डाल के तो अंदर डालते थे। तो खैर ये वो टेक्नोलॉजी है जो 1800 मतलब लेट 19वीं सेंचुरी तक चलती रही। ये बीच की एग्जांपल है, इसको ज़ुबान में बोलते हैं, जो ब्रिटिश ज़ुबान है या कलेक्टर की ज़ुबान में इसको मैचलॉक पिस्टल, इसको सॉरी पेपर बॉक्स पिस्टल बोलते थे, क्योंकि इसकी 6 गोलियाँ उस टाइम डलती थी बुलेट। एडवांस टेक्नोलॉजी समझ लें या शौकिया समझ लें, अब इनको इंडिविजुअली सबको इसी तरह लोड करना पड़ता था। पहले 1, 2, 3, 4 इस तरह 6 करके इसमें 6 गोलियाँ डालते थे, फिर जिसको चलाना होता था। है टेक्नोलॉजी जो फायरिंग सिस्टम है वो इक्वल टू दिस, सेम एज दिस परकशन कैप। इसी तरह यहाँ परकशन कैप डलती थी और फिर जो एक फायर हो जाता था तो दूसरा मूव करके दूसरा आगे कर लेता था, इस तरह से। तो 6 गोलियाँ इसमें डलती थी। ये भी परकशन कैप की एग्जांपल है। ये भी यूज़ हुआ है तकरीबन 1812, 1820, 30 से लेके तो 1860, 70, 80 तक ये चलते रहे। नाइस पर्शियन एग्जाम्पल है, एंग्रेविंग इसके ऊपर हुई भी है बहुत ज़्यादा। ये देखें बैरल के ऊपर डेट भी इसके ऊपर कुछ लिखी हुई है, 1862 एनफील्ड। विक्टोरियन क्राउन बना हुआ है विक्टोरिया का, नाइस एग्जाम्पल है, हैवी सॉलिड। बट इसका ये सिस्टम रिप्लेस्ड है, इसका जो परकशन कैप सिस्टम है वो रिप्लेस्ड है, वो बाद में लगा हुआ ये वाला नया। और ये ऑब्वियसली डेकोरेशन जो है ये पर्शियन स्टाइल में, अफगानी स्टाइल में, ये यहाँ की है, ये नए दौर की है, ये मदर ऑफ पर्ल की बनी हुई है, ये ब्रास और मदर ऑफ पर्ल की। सेम इसी तरह ये भी पुराना पिस्टल है, इसको ये भी ओरिजिनल नहीं है, अगर ओरिजिनल होता तो इसका वेट और ये सारी चीज़ें होती हैं, रिप्लेस हुआ हुआ है। ये भी फ्लिंटलॉक पिस्टल है जो 18वीं सेंचुरी के यूज़ हुए में बने हुए हैं। कंपेयर टू दिस बैरल का साइज़ देखें, दोनों का डिफरेंट है। हेड टेक्नोलॉजी सेम है, फायरिंग सिस्टम सेम है। इसमें इसका ये था कि इनके अंदर नॉर्मली इनका जो नाम यूज़ होता है वो अगर टेक्नोलॉजी गन की टेक्नोलॉजी में पूछेंगे तो इनको ब्लंडरबस कहते हैं, कि इनके अंदर गोली का साइज़ जो है वो डिफरेंट भी डल सकता था, इसलिए इनको बोलते थे कि इसमें कुछ भी फायर अप करना चाहो, इवन पत्थर डाल लो तो शॉर्ट रेंज में वो पत्थर भी चल जाएंगे। बारूद भर के ऊपर किसी किस्म की, किसी गेज की, ये लेड की गोलियां होती थी, तो इसमें किसी गेज की भी, ब्लंडरबस के अंदर किसी गेज की भी गोलियां बुलेट फायर कर सकते थे, चाहे ये डालें चाहे दूसरी डालें, चाहे छोटा बड़ा जिस तरह का भी उसका गेज है गोली का वो डालें और ये पिस्टल चला देगा। मगर ये ऑब्वियसली कॉपी बनी हुई है और बहुत ही वर्स्ट किस्म में कॉपी बनी हुई है, नहीं ओरिजिनल होता तो खैर इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा थी। बार टेक्नोलॉजी ये फ्लिंटलॉक 18वीं सेंचुरी की है। मुझसे ज़ाती तौर पर पूछा ना, मेरे पास तो मेरा सबसे फेवरेट जो है वो कलेक्टर यही है, कलेक्टर आइटम जो है ओरिजिनल आइवरी एंटीक डेकोरेशन एंड प्रूफ्ड एंड एनग्रेव्ड एंड स्टिल वर्किंग, मोस्ट एक्सपेंसिव पीस आई हैव इन माय कलेक्शन सो फार।